अ वेरी वार्म वेलकम टू द इंजीनियर्स बुलेट। इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे डीएमआरसी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स 2016 का पार्ट फिफ्थ एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डीएमआरसी सीरीज 2016। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट होता है मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट इज स्टेप सिग्नल। देयरफॉर द ऑप्शन करेक्ट इज सेकंड। स्ल्यू रेट होता है चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट विल बी मैक्सिमम। और स्ल्यू रेट कैलकुलेट करते हैं स्टेप इनपुट वोल्टेज के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं जैसे आईईएस एंड स्टेट एग्जामिनेशन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसे रीड कर लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे पहला पॉइंट गिवन है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इज स्टेप, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ल्यू रेट। नेक्स्ट इज अगर इनपुट वोल्टेज स्ल्यू रेट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में स्ल्यू रेट में डिस्टॉर्शन आ जाता है, इट कॉजेज द स्ल्यू रेट इंड्यूस डिस्टॉर्शन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा चुका है वो है स्ल्यू रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इन्वर्सली, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्ल्यू रेट डिक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट इज कंडीशन, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। ए सी एल वी एम ओमेगा नॉट अपॉन 10^6 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू स्ल्यू रेट। ए सी एल है क्लोज लूप गेन, वी एम है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओमेगा नॉट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, सो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर हम डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी कॉम्पनसेशन यूज़ करते हैं, डोमिनेंट पोल फ्रिक्वेंसी कॉम्पनसेशन, तो इसका इफेक्ट आता है ये ओपैम्प का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है और स्ल्यू रेट डिक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ ओपैम्प की, उससे वो लिमिट होती है स्ल्यू रेट से। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर इनिशियल स्लोप इनपुट साइन वेव का स्ल्यू रेट से ज़्यादा हो जाता है उस केस में आउटपुट ट्रायंगुलर वेव शेप मिलती है, तो दिस इज अबाउट द स्ल्यू रेट और स्ल्यू रेट की यूनिट होती है वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनमें से कौन सी प्रॉबर्टी नहीं होती। गिवन है इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है हाई गेन डीसी एम्पलीफायर और जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम ओपैम्प 741, आईसी ओपैम्प 741 जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और ये परफॉर्म करता है एनालॉग ऑपरेशंस जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो इसकी प्रॉपर्टी होती है इनपुट रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है, वोल्टेज गेन इसका इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस लेकिन इसका जीरो होता है। तो ये पॉइंट गलत है, ओपैम आइडियल ओपैम का आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है। जैसे कि टेबल में गिवन है ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है आइडियल ओपैम का, जबकि प्रैक्टिकल ओपैम का ओपन लूप गेन होता है 10^6। इनपुट रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होता है, ओपन लूप बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में ओपन लूप बैंडविड्थ ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प और ये होती है प्रैक्टिकल ओपैम्प की 5 हर्ट्स CMRR, इसका मतलब है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ओपैम्प, इसका मतलब है ओपैम्प की एबिलिटी कि कॉमन मोड को रिजेक्ट कर सके। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ओपैम्प अच्छा होगा। तो आइडियल ओपैम्प का इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकल ओपैम्प का होता है 120 dB। स्ल्यू रेट जो हमसे हमने देखा कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज चेंज फॉर स्टेप इनपुट वोल्टेज ये इनफाइनाइट होना चाहिए और इसकी रेंज होती है प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए 0.5 से 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। नेक्स्ट आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल का जीरो होना चाहिए और प्रैक्टिकल का होता है 50 से 100 ओम। एंड लास्ट इज ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब है अगर हम इनपुट पे ओपैम्प का इनपुट पे जैसे ओपैम्प है ये
अगर इसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, ये नॉन इन्वर्टिंग होता है, और ये आउटपुट होता है। ओपैम को कहते हैं, ये 8 पिन आईसी होती है। इसके इनपुट पे अगर दोनों इनपुट पे 0-0 है और अगर आउटपुट पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब है ऑफसेट वोल्टेज 0 है। लेकिन प्रैक्टिकल ओपैम्प में ऐसा नहीं होता, उसमें अगर इनपुट वोल्टेज 0 दे रहे हैं तब भी आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं मिलता, इसलिए उसमें नॉन जीरो ऑफसेट होता है। दिस इज अबाउट द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हॉल इफेक्ट इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं करता। तो ऑप्शन गिवन है सेमीकंडक्टर एन टाइप है, पी टाइप है, ये डिटरमाइन नहीं करता। ये ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि हॉल इफेक्ट यूज करते हैं हम एन टाइप या पी टाइप पता करने के लिए कि सेमीकंडक्टर एन टाइप है या पी टाइप है। नेक्स्ट है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ये हॉल इफेक्ट ये भी मेजर करता है कि कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट, हॉल इफेक्ट मोबिलिटी को भी मेजर करता है। लेकिन लास्ट पॉइंट गलत है, बिकॉज हॉल इफेक्ट एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजर करता, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है। देखते हैं हॉल इफेक्ट होता क्या है। हॉल इफेक्ट हम मेजर यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो अगर एक सेमीकंडक्टर का स्पेसिमेन लें और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे करंट फ्लो कर रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है पॉजिटिव जेड में, तो हमें इफेक्ट दिखेगा उसका नेगेटिव वाई एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड। तो अगर करंट आई फ्लो कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव जेड पे, तो जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे इंड्यूस होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द हॉल इफेक्ट। अब देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर इससे मेजर कर सकते हैं। ये आपको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस पेपर में सारे पूछे जा चुके हैं। जैसे कि हॉल इफेक्ट यूज करते हैं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए, मेजॉरिटी कैरियर मोबिलिटी मेजर करता है, टाइप ऑफ कंडक्टिविटी कि पी टाइप है या एन टाइप है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करता है, पावर मेजर करता है कि ईएम वेव में कितनी पावर है, करंट मेजर करता है, और साइन चार्जेस के मेजर करता है कि प्लस है या माइनस है। नेक्स्ट पूछते हैं हॉल वोल्टेज। जैसे कि देखा हमने पॉजिटिव एक्स में करंट फ्लो करता है, और अगर पॉजिटिव जेड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हॉल वोल्टेज इंड्यूस होती है, और ये हॉल वोल्टेज पॉजिटिव होती है पी टाइप के लिए, नेगेटिव होती है एन टाइप के लिए, मेटल्स के लिए भी नेगेटिव होती है, बट इम्पॉर्टेंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हॉल वोल्टेज जीरो होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सेमीकंडक्टर में हॉल वोल्टेज स्ट्रांग होती है वीक होती है, सेमीकंडक्टर में स्ट्रांग होती है और मेटल्स में वीक होती है, क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है सेमीकंडक्टर से। हॉल वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हॉल कॉफिशियंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हॉल कॉफिशियंट होता है आर एच इज इक्वल टू 1/N × E और P × E। इसका मतलब है हॉल कॉफिशियंट डिपेंड करता है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे और चार्ज पे। तो ये जो हॉल कॉफिशियंट है ये पॉजिटिव होता है पी टाइप के लिए, नेगेटिव होता है एन टाइप के लिए, अगेन नेगेटिव होता है मेटल्स के लिए, और ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लार्ज होता है और इंसुलेटर के लिए जीरो होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस पेपर में। जैसे डायग्राम दे रखा है, अगर हमने सप्लाई अप्लाई करते हैं इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, होल्स इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये होल्स डायरेक्शन हो गई तो होल करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि हमने देखा कि जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो नेगेटिव वाई में होती है, इसका मतलब है अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो अगर होल्स मूव कर रहे हैं सपोज, तो होल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सो यहाँ से अगर हम हॉल वोल्टेज निकालेंगे, अगर हम लोअर सरफेस के रेस्पेक्ट में हॉल वोल्टेज निकालते हैं, तो अगर लोअर टर्मिनल नेगेटिव है तो ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप, और अगर लोअर टर्मिनल पॉजिटिव मिलता है तो ये रिप्रेजेंट करता है पी टाइप। तो इस सेकेंड सरफेस के रेस्पेक्ट में हम डिसाइड करते हैं हॉल वोल्टेज हमारी क्या होगी।
कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है या एन टाइप है। तो दिस इज अबाउट द हॉल इफेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और है इसमें, ये पूछते हैं कि मोबिलिटी अगर निकालनी हो और डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना हो तो उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं। अगर माइनॉरिटी कैरियर्स का निकालना हो, मेजॉरिटी कैरियर के लिए तो हम यूज़ करते हैं हॉल इफेक्ट, लेकिन अगर माइनॉरिटी कैरियर के लिए निकालना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं हेनेस शॉकले एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है IES में एंड अदर एग्जाम में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लाइट एमिटिंग डायोड इट मीन्स LED, ये कौन से मटेरियल से बनता है। ऑप्शन गिवन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, डायमंड। तो LED बनता है गैलियम आर्सेनाइड से। गैलियम आर्सेनाइड है थर्ड फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट, कंपाउंड है। गैलियम आर्सेनाइड पूछ सकते हैं आपसे इसका एनर्जी गैप कितना होता है। इसका एनर्जी गैप होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पूछ सकते हैं मोबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की गैलियम आर्सेनाइड की। तो उसकी मोबिलिटी होती है 5600 से 8500 इलेक्ट्रॉन के लिए, और 400 होती है होल्स के लिए। और मोबिलिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो दिस इज अबाउट द LED। इस टेबल में गिवन है जितने भी डायोड यूज करते हैं हम, LED, वेरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, एवलांचे फोटो डायोड, टनल डायोड और जीनर डायोड। ये गिवन है बायसिंग, कि कौन सा डायोड किस बायसिंग में काम करता है। जैसे LED फॉरवर्ड बायस में काम करता है, वेरेक्टर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। तो आप इसे रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। LED काम करता है इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस पे। इसका मतलब है जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। यह है प्रिंसिपल LED का। वेरेक्टर डायोड काम करता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पे। और इसमें जो मेटेरियल यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट है फोटो डायोड। फोटो डायोड प्रिंसिपल है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, एग्जैक्टली अपोजिट टू द LED। इसमें हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम। नेक्स्ट है एवलांचे फोटो डायोड इफेक्ट। इसमें प्रिंसिपल है एवलांचे इफेक्ट, मटेरियल यूज़ करते हैं सिलिकॉन। नेक्स्ट है टनल डायोड। प्रिंसिपल है इसमें टनलिंग इफेक्ट और मटेरियल यूज़ करते हैं गैलियम आर्सेनाइड। एंड लास्ट इज जीनर डायोड। प्रिंसिपल होता है इसमें इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, मेटेरियल यूज़ करते हैं सिलिकॉन। एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सर्किट को फेज डिस्टॉर्शन से फ्री करने के लिए फेज रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। ऑप्शन गिवन है क्वाड्रेचर वेरिएशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, लीनियर वेरिएशन होना चाहिए या प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। तो फेज डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए फेज रेस्पॉन्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। जैसे कि हम ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में फेज शिफ्ट होता है ओमेगा अंडर रूट में LC। यहाँ से हमें देखने को मिलता है फेज शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका मतलब है फेज शिफ्ट अगर फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा तो सर्किट फेज डिस्टॉर्शन से फ्री होगा। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन से फ्री करने के लिए क्या कंडीशन है। तो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए यूनिटी, इट्स शुड बी कॉन्स्टेंट। तो अगर आपसे पूछते हैं मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन के लिए फ्री करने के लिए, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। लेकिन पूछा गया है फेज डिस्टॉर्शन के बारे में, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी होना चाहिए फेज रेस्पॉन्स। तो ये था फेज डिस्टॉर्शन के बारे में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हाफ फुल वेव रेक्टिफायर गिवन है, उसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्स, एंड व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट। जैसे कि फुल वेव है तो फुल वेव में फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है, एफ आउटपुट बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ इनपुट। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म होती है कुछ इस तरह की, वेव फॉर्म आती है, और हाफ वेव की होती है इस तरह की। तो
इसमें अगर पॉजिटिव साइकिल अप्लाई अप्लाई होती है तो डायोड, दो डायोड होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, तो पहला डायोड कनेक्ट करता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में सेकंड डायोड कनेक्ट करता है, इट मींस फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, इसलिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फॉर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 100 हर्ट्स। आइए समझते हैं कुछ, जैसे कि तीन तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इनके तीनों के बारे में कुछ देखते हैं, एंड दीज आर द पैरामीटर्स इन डिफरेंट रेक्टिफायर्स, से एवरेज करंट, आरएमएस करंट, एफिशिएंसी, पीआईवी। पीआईवी का मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज, विच मीन्स मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस आ सकती है रिवर्स बायस कंडीशन में। नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, एंड इसमें लास्ट पॉइंट आता है जो आउटपुट वोल्टेज होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक डीसी कंपोनेंट होता है, फंडामेंटल कंपोनेंट होता है और इवन हार्मोनिक्स होते हैं। अगर फुल वेव देखें तो आप ये याद कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये इसमें पूछ सकते हैं किसी की भी वैल्यूज। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, इसमें डीसी कंपोनेंट होता है और इवन हार्मोनिक्स होते हैं, इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को फिल्टर करना थोड़ा आसान होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरेटिवली। एंड दिस लास्ट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं इसके, इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। तो दिस अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, करंट गेन गिवन है, कॉमन एमिटर में करंट गेन होता है बीटा, कॉमन बेस में करंट गेन होता है अल्फा, कॉमन बेस में, और कॉमन कलेक्टर में होता है गामा। इसमें गिवन है कॉमन एमिटर, देयरफॉर बीटा गिवन है 100, कलेक्टर करंट गिवन है 10 मिली एम्पियर, फाइंड करना है बेस करंट। तो ये एक्सप्रेशन होता है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा ICO। जैसे कि हमें ICO होता है कलेक्टर सेचुरेशन करंट, हमें गिवन नहीं है इसलिए से क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो एक्सप्रेशन बचा आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, यहाँ से हमें आई सी गिवन है, आई बी बीटा गिवन है, यहाँ से हम आई बी निकाल सकते हैं और आंसर आएगा 100 माइक्रो एम्पियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हार्टले ऑक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है। हार्टले ऑक्सीलेटर यूज़ करता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसमें दो इंडक्टर होते हैं और एक कैपेसिटर होता है, दिस इज द हार्टले ऑक्सीलेटर। दो इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं टैप्ड इंडक्टर ऑक्सीलेटर। तो दो इंडक्टर होते हैं, एक कैपेसिटर होता है। तो ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेंटर टेप्ड इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। बेसिकली चार तरह के होते हैं, टैप्ड इंडक्टर ऑक्सीलेटर, कॉलपिट ऑक्सीलेटर जिसमें दो कैपेसिटर होते हैं एक इंडक्टर होता है, इसका कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है कॉलपिट का, इसमें दो इंडक्टर हैं, दो कैपेसिटर हैं और एक इंडक्टर है, इसे कहते हैं स्प्लिट कैपेसिटर। और ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इसको आप रिमेम्बर करने हैं। नेक्स्ट है क्लैप ऑक्सीलेटर, क्लैप ऑक्सीलेटर होता है जिसमें एक कैपेसिटर और ऐड हो जाता है कॉलपिट वाले में, तो दिस इज द क्लैप ऑक्सीलेटर। एंड द लास्ट इज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, इसे क्वार्ट्स ऑक्सीलेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम इंडक्टर की जगह क्वार्ट्स यूज करते हैं, ये इसके एक्सप्रेशन है। और इसकी रेंज होती है जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी आती है वो होती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सीरीज के केस में, उससे गेट बड़ी होती है, और पैरेलल रेजोनेंट के केस में जो फ्रिक्वेंसी आती है उससे छोटी होती है। तो दिस इज द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हमें स्टेबल फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करती है। तो ये थे ऑक्सीलेटर। हार्टले ऑक्सीलेटर होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, इसे LC ऑक्सीलेटर कहते हैं। दूसरे होते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, इट मीन्स लो फ्रिक्वेंसी भी जो काम करते हैं और मीडियम फ्रिक्वेंसी भी काम करते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर, तो दीज आर द ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का
इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कौन सा ऑर्डर सही है? एंड करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की, और ये वैल्यूज भी गिवन है। फिर होती है अल्ट्रा वायलेट रेज की, फिर इंफ्रारेड रेज की, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव्स। तो ऑप्शन करेक्ट इज फोर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है IC555 टाइमर, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म क्या होती है? एंड दिस इज़ अ पिन डायग्राम ऑफ IC555, जो 8 पिन IC है। सबसे पहला होता है ग्राउंड, सेकंड ट्रिगर इनपुट, फिर आउटपुट, फिर रिसेट, उसके बाद पावर सप्लाई, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड एंड कंट्रोल वोल्टेज। तो दिस इज़ द, और इसकी जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है वो मिलती है हमें, एंड ऑप्शन करेक्ट इज रेक्टेंगुलर। हमें जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है वो स्क्वायर वेव मिलती है, आंसर इज रेक्टेंगुलर। जैसे कि हमने देखा 8 पिन टाइमर IC भी कहते हैं ऐसे, IC555 टाइमर IC कहते हैं। ये स्क्वायर वेव फॉर्म प्रोवाइड करता है या पल्सेस प्रोवाइड करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती है। ये दो तरह से यूज़ करते हैं, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर्स में कि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम कहते हैं डिले सर्किट, इसे फ्रिक्वेंसी डिवाइडर भी यूज़ करते हैं, पल्स स्ट्रेचर भी कहते हैं, और इसे रैंप जनरेटर भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड होता है पल्स का 1.1 RC। इससे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दिस मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर वेव जनरेटर और फ्री रनिंग ऑक्सीलेटर। इसका टाइम पीरियड होता है 0.69 RA+2 RB × C। अगर हम पिन नंबर 5, जिसे कंट्रोल पिन कहते हैं, इस पर कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस केस में जो हमें सर्किट मिलेगा उसे कहते हैं वोल्टेज टू फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर और वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। इस केस में हम टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। तो ये था टाइमर IC, 555 टाइमर IC। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में गिवन है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसकी डोनर कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हैं तो फर्मी लेवल पे क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा गया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, इट मींस फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट से, जो होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ये पूछा गया है अगर डोनर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो फर्मी लेवल में क्या चेंज आएगा। तो डोनर लेवल आयोनाइजेशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। अगर हम टेम्परेचर 0 से 300 केल्विन तक बढ़ाते हैं, उस केस में डोनर लेवल आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है। डोनर लेवल आयोनाइजेशन का मतलब है कि जो हमने डोनर एटम्स ऐड करे हैं वो डोनर लेवल से, सपोज ये डोनर लेवल है एनर्जी लेवल विद ED, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डोनर एटम्स मूव करते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ, तो इसे कहते हैं डोनर लेवल आयोनाइजेशन। और ये 300 केल्विन पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें पूछा गया फर्मी लेवल। फर्मी लेवल अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो वो लाई करता है ED से बिलो, जैसे कि एक्सप्रेशन है एन टाइप का, EC-EF = KT ln NC/ND। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं 0 से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि EC-EF विल बिकम ग्रेटर देन 0। इससे ग्रेटर देन 0 जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका मतलब है EC > EF, इट मीन्स कंडक्शन बैंड की एनर्जी फर्मी लेवल से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है फर्मी लेवल लाई करेगा बिलो ED। लेकिन अगर हम टेम्परेचर 0 कर देंगे तो फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड दोनों कॉन्साइड करेंगे, T = 0 पे EC = EF। तो यहाँ हमने देखा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फर्मी लेवल सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम डोनर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल सेंटर की तरफ मूव करता है, और अगर हम डोनर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि डोनर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो फर्मी लेवल विल मूव टुवार्ड्स द कंडक्शन बैंड,
दिस इज द ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन है, एक फिगर गिवन है, आपको पता करना है कि कौन सा सर्किट है। ऑप्शन गिवन है एडीसी, डीएसी, कंपैरेटर और 555 टाइमर। ये फिगर है एडीसी की, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इनपुट जा रहा है एनालॉग और आउटपुट मिल रहा है डिजिटल काउंटर के थ्रू डिजिटल, तो दिस इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बेसिकली चार तरह से होते हैं, हम देखते हैं आगे। पहला होता है काउंटर टाइप एडीसी। इन चारों काउंट एडीसी पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम फाइंड करने को, आपको दे देंगे क्लॉक टाइम, आपको नंबर ऑफ बिट दे देंगे कितने बिट का काउंटर है, आपसे पूछ लेंगे कन्वर्जन टाइम। तो यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आपसे पूछ सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ क्लॉक और आपको दे देंगे कितने बिट का काउंटर है, तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है इन विच एडीसी डीएसी सर्किट यूज होता है। तो ये काउंटर टाइप और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, ये दो एडीसी हैं जिनमें डीएसी सर्किट यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आईईएस एंड अदर एग्जाम में पूछे जा चुका है। नेक्स्ट पूछते हैं काउंटर टाइप एडीसी में कौन सा काउंटर यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं हम अप काउंटर और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। इसकी मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम है एन इंटू टी क्लॉक। इसमें यूज करते हैं रिंग काउंटर। और एक इंपॉर्टेंट बात, कन्वर्जन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट वोल्टेज इन केस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी। थर्ड टाइप इज फ्लैश टाइप। फ्लैश टाइप एडीसी, इसे कहते हैं फास्टेस्ट एडीसी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जो चाहिए कन्वर्जन करने के लिए वो वन चाहिए केवल। इसे पैरेलल कंपैरेटर एडीसी भी कहा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है नंबर ऑफ कंपैरेटर्स यूज्ड इन फ्लैश टाइप इज 2^n-1। रजिस्टर यूज करते हैं 2^n और प्रायोरिटी एनकोडर यूज करते हैं 2^n×n। लास्ट इज ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। सबसे फास्टेस्ट देखा हमने फ्लैश टाइप होता है और सबसे स्लोएस्ट होता है ड्यूअल स्लोप, इट इज द स्लोएस्ट एडीसी। इसका कन्वर्जन टाइम मैक्सिमम होता है 2^n+1×t क्लॉक। लेकिन एडवांटेज क्या है इसकी, ये मोस्ट एक्यूरेट है और ये यूज़ करते हैं डिजिटल वोल्ट मीटर में। तो दिस इज अबाउट द एडीसी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एफएम की थ्योरेटिकल बैंडविड्थ कितनी होती है। जैसे कि हमें एएम का पता होता है, ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसकी बैंडविड्थ होती है ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। एएम की थ्योरेटिकल बैंडविड्थ होती है इनफाइनाइट। एफएम की, एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका मतलब है मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन के साथ कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होना। ये बेसिकली दो तरह से होता है, एक कहते हैं नैरो बैंड एफएम, दूसरा वाइड बैंड एफएम। नैरो बैंड एफएम होता है अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 0.5 हो, और नैरो बैंड एफएम में नंबर ऑफ साइड बैंड्स बहुत स्मॉल होते हैं। इसका मतलब अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम करेंगे तो साइड बैंड कम होंगे। वाइड बैंड एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 से बन होता है, इसमें साइड बैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आइडियली इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए कहते हैं थ्योरेटिकल बैंडविड्थ एफएम की इनफाइनाइट होती है। और प्रैक्टिकल बैंडविड्थ होती है 2^1β fm। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन ऑप्शंस में से कौन सी एफएम की एडवांटेज नहीं है एएम पे। एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसकी एडवांटेज होती है ये बेटर नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एफएम में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है और नॉइस इफेक्ट करती है एम्पलीट्यूड पे, इसलिए इसकी नॉइस इम्यूनिटी बेटर होती है एएम से। नेक्स्ट, एएम लीनियर होता है बिकॉज ये सुपर पोजिशन को फॉलो करता है। एफएम नॉन लीनियर होता है क्योंकि एफएम के एक्सप्रेशन में साइन टर्म आती है जो कि नॉन लीनियर है। बैंडविड्थ एएम की ट्वाइस एफएम होती है जो बहुत कम है, क्योंकि एफएम की बैंडविड्थ ट्वाइस 1β fm बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू एएम। जैसे कि देखा नॉइस इम्यूनिटीज में पुअर होती है क्योंकि नॉइस अफेक्ट करती है एम्पलीट्यूड पे,
पर एएम में एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है कैरियर का, इसलिए इसकी पुअर होती है। इसमें नॉइस इम्यूनिटी हाई होती है। पावर रिक्वायरमेंट एएम में ज़्यादा होती है क्योंकि पावर फॉर्मूला होता है पीटी इज इक्वल टू पीसी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू, वेयर एज पावर रिक्वायरमेंट इन एफएम इज लेस, क्योंकि पावर जो होती है इसमें एसी स्क्वायर बाय टू आर होती है, विच इज इक्वल टू पावर ऑफ करियर सिग्नल। एंड लास्ट इसमें एडवांटेज होती है एएम की, एएम में प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि एसएनआर ऑडियो सिग्नल का ज़्यादा होता है इसमें, वेयर एज एफएम में प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। प्री एम्फेसिस का मतलब है आर्टिफिशियल बूस्ट करना हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, और डी एम्फेसिस का मतलब है रिवर्स करना उसका, अगर आर्टिफिशियल बूस्टिंग करिए तो उसे वापस उसी लेवल पे लाना जो प्री एम्फेसिस से पहले था। दिस इज अबाउट द एफ एम एंड ए एम। तो इसका आंसर था लोअर बैंडविथ, बिकॉज एफ एम की बैंडविथ हाई होती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। तो ऑप्शन गिवन है रिड्यूस द बैंडविथ, बिल्कुल गलत है। मॉड्यूलेशन बैंडविथ को इंक्रीज करता है, ट्रांसलेट करता है बेस बैंड से बैंड पास में, तो इसलिए बैंडविथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेपरेट डिफरिंग ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सिंग में हेल्प करता है। अगर हम डिफरेंट सिग्नल को एक ही चैनल में भेज रहे हैं तो हमें मॉड्यूलेशन यूज़ करना होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस हो जाएगा, इसलिए इसकी एडवांटेज है मॉड्यूलेशन की मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है इट एंश्योर्स दैट इंटेलिजेंस मे बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉड्यूलेशन करेंगे तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेशन होगा जिसकी हेल्प से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एएम और एफएम में होती है, क्योंकि एएम यूज़ करते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, एफएम यूज़ करते हैं एफएम ब्रॉडकास्टिंग में। लास्ट है इट अलाउ द यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल एंटीना, मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं तो एंटीना की लेंथ रिड्यूस हो जाती है, तो ये एडवांटेज है मॉड्यूलेशन की। और लास्ट एडवांटेज होता है इसका नैरो बैंडिंग, मॉड्यूलेशन की हेल्प से हम नैरो बैंडिंग कर सकते हैं, इसका मतलब है हम अगर लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में भेजते हैं सिग्नल को तो उससे रेशो जो आता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी टू द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वो एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है, जिसकी विच हेल्प्स अगर मैसेज सिग्नल हम चेंज करते हैं तो उसका एंटीना के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ हमने चार एडवांटेज देखी, पहला मल्टीप्लेक्सिंग करता है, सेकेंड देखा हमने एंटीना के साइज को रिड्यूस करता है, थर्ड देखा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हैं, एंड फोर्थ नैरो बैंडिंग कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द मॉड्यूलेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेज करेक्टिंग सर्किट इनमें ऑप्शन में से कौन सा है। फेज करेक्टिंग सर्किट इसका आंसर है ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर को यूज करते हैं फेज करेक्शन के लिए। ऑल पास फिल्टर होता है जो ऑल फ्रिक्वेंसीज को पास करता है विदाउट एटेन्यूएशन से। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, ऑल पास फिल्टर फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे, इसलिए ऑल पास फिल्टर को कहा जाता है डिले इक्वलाइजर एंड फेज करेक्टर। द लास्ट पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर ऑल पास फिल्टर, इसमें एक पोल होता है और सिमेट्रिकली एक जीरो होता है, इसका मतलब ऑल पास फिल्टर में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोल एंड जीरो का। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल पास फिल्टर। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आपको ये दे देंगे, आपसे पूछेंगे कौन किसका ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये है ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। इसका गेन होता है वन और फेज होता है माइनस टू टेन इनवर्स ओमेगा आर सी। तो फेज वेरी, अगर हम ओमेगा जीरो पुट करेंगे तो और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो फेज मिलेगा हमें जीरो से माइनस का 180 डिग्री। तो दिस इज अबाउट द ऑल पास फिल्टर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन है एक सर्किट गिवन है, पूछा गया है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। इनपुट सप्लाई गिवन है 220 वोल्ट, टर्न्स रेशो गिवन है 1:1। तो हम सेकेंडरी पे वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर फॉर्मूला V1 बाय V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, जैसे रेशो 1 है तो सेम वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिल जाएगी V2 इज इक्वल टू
220 वोल्ट, लेकिन ये क्वेश्चन है पोलैरिटी टेस्ट से, तो हमें यहाँ पर डॉट नोटेशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे कि डॉट यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम प्लेस पे हैं, तो इसलिए वोल्ट मीटर डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज रीड करेगा, तो इसलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी डिफरेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज। वी विल गेट वोल्ट मीटर की रीडिंग इज इक्वल टू सेकेंड प्राइमरी पे जितनी वोल्टेज है माइनस सेकेंडरी पे जितनी है। जैसे कि वोल्टेज दोनों पे सेम है तो हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलेगी जीरो, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो पोलैरिटी टेस्ट कहता है कि अगर वोल्ट मीटर डिफरेंस मेजर कर रहा है, इसका मतलब है डॉटेड सेम लोकेशन पे होंगी। अगर ये डॉट सपोज नीचे होता तो वोल्ट मीटर एडिशन वैल्यू देता, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है वी वन माइनस वी टू अगर डॉट नोटेशन सेम साइड में है, लेकिन अगर अपोजिट साइड में है तो वी वन प्लस वी टू रीड करेगा वोल्ट मीटर। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इफ वोल्ट मीटर रीड डिफरेंस ऑफ टू ईएमएफ देन सेकेंडरी साइड टर्मिनल शुड बी असाइंड विद द सेम पोलैरिटी एज दैट ऑफ पोलैरिटी एज्यूम्ड ऑन द प्राइमरी टर्मिनल। एस इसके अपोजिट है सीरीज एडिटिव पोलैरिटी, उसमें अपोजिट होगा। दिस इज अबाउट द वोल्ट मीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन है एन क्रॉस वन ट्रांसफॉर्मर और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन होती है वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टर्न्स 1:1, और करंट का रेशियो होता है आई टू बाई आई वन इज इक्वल टू माइनस का एन। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वी वन इज इक्वल टू एन वी टू एंड आई वन इज इक्वल टू दिस। तो अगर आप कंपेयर करें ए बी सी डी इक्वेशन से, वो होती है वी वन इज इक्वल टू ए वी टू माइनस बी आई टू, नेक्स्ट होती है आई वन इज इक्वल टू सी वी टू माइनस डी आई टू। तो अगर आप कंपेयर करें वी विल गेट फ्रॉम हेयर ए की वैल्यू मिलेगी हमें एन और डी की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 1/n। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, जैसे कि n ट्रांसफॉर्मर रेसिप्रोकल डिवाइस है तो हम इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी लगा सकते हैं जो होती है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ए बी सी डी पैरामीटर, तो हमें a गिवन है n, तो यहाँ से लिखेंगे n, और d गिवन है x और ये सब जीरो है इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, x आएगा 1/n, देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, आइदर यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन रेशो होता है और रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इस क्वेश्चन में गिवन है ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोड पर। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन होता है ZL माइनस Z नॉट अपॉन ZL प्लस Z नॉट। ZL गिवन है हमें 25 ओम, Z नॉट गिवन है 100 ओम, तो हम यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आएगी -0.6। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालना होता तो स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है 1 प्लस मोड गामा अपॉन 1 माइनस मोड गामा। दिस इज स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो की रेंज होती है 1 से इन्फिनिटी तक, जबकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की रेंज होती है 0 से 1। तो दिस इज अबाउट द पार्ट 5th ऑफ द डीएमआरसी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन। सो वी हैव एंडेड विद द कंप्लीट सीरीज ऑफ द डीएमआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स जेई 2016। इफ यू लाइक अवर एफर्ट्स देन डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग डीएमआरसी प्रिपरेशन इन पर्टिकुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल देन कॉन्टैक्ट एट अवर फेसबुक लिंक गिवन बिलो। थैंक यू वेरी मच।